दोस्तों दलहन पे हम लगातार अपडेट आपको देते हैं, चाहे चना हो, मूंग हो, मसूर हो, उड़द हो, इसके ऊपर लगातार अपडेट हम आपको देते हैं। देश का अजेस्ट मनी गुरु, देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। दोस्तों तुअर और मूंग पर सबसे पहले हमने आपको तेज़ी की बात कही थी, लगभग 3 महीने पहले शानदार तेज़ी दर्ज हुई। अब जानिए मूंग का पर अगली रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, 9 मार्च 2023। दोस्तों मूंग ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है दलहन के अंदर। मूंग की नई फसल एमपी में 1 महीने के बाद आने की संभावना है। दूसरी ओर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के पुराने माल अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान भाव में मूंग के ऊपर एक विशेष चर्चा है, क्योंकि कुछ कि मूंग ने शानदार मूवमेंट बनाई है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 1 महीने में एमपी की फसल आने वाली है और दूसरी ओर राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो माल है वो लगभग काफ़ी हद तक निपट चुका है। मूंग इस समय राजस्थान के खाटू शेखावटी, किशनगढ़, केकड़ी एवं बीकानेर के साथ साथ मेड़ता लाइन की आ रही है, लेकिन राजस्थान के सभी उत्पादक क्षेत्रों से आवक का दबाव नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पिछले दिन मूंग के भाव ऊपर में 8,000 से 8,200 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गए थे, तथा अगाऊ सौदे यानी फॉरवर्ड सौदे भी खाटू लाइन के 8,400 रुपये के बोलने लगे थे, लेकिन इसके बाद टेंडर में खरीद किए गए कारोबारी द्वारा धोया क्वालिटी की माल बिकवाली में यदि कम भावों में करने से बाजार घटकर अब 8,050 या 8,200 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर रह गया है। राजस्थान के नीचे यानी हल्की क्वालिटी का माल 7,774 से 7,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा है और मध्य प्रदेश का माल 7,200 से 7,400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की मूंग मार्च के दूसरे सप्ताह तक छुटपुट आने लगने की संभावना है, जो बिल्कुल अब बिल्कुल सर पर है। यहाँ बिजाई ज़्यादा नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार द्वारा खरगोन लाइन में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पे कम खरीदारी किया गया था, जिससे वहाँ के किसानों की रुचि कम हो गई थी और इधर होशंगाबाद लाइन में भी बिजाई की कमी बताई जा रही है। यूपी एमपी के जो बॉर्डर लाइन के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ यूपी, बिहार, झारखंड में भी बिजाई अभी अप्रैल में होगी। इस तरह से हम कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि निकट भविष्य में कोई मूंग राजस्थान के अलावा कहीं और नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के परभणी, अंकोला, औरंगाबाद, जलगांव लाइन की मूंग भी वहाँ की लोकल दाल मिलों में खपत हो रही है, वो भी बाहर ज़्यादा तक नहीं आ पाएगी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान भाव में क्वालिटी में मूंग के भाव के घटने की संभावना कम नज़र आ रही है। दोस्तों इस महीने के अंत या मार्च में मूंग की अच्छी मूवमेंट के अंदर संभावना बनती है और कुछ बाजार के सूत्रों को मानना है कि प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के बाद जब मौसम गर्म होता है तब मूंग धोया व छिलका की बिक्री बढ़ जाती है। अक्सर ये पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है और कुल मिला के मूंग का उत्पादन रवि सीजन को मिलाकर 34 लाख मैट्रिक टन के करीब होना चाहिए, जबकि इसके बीते सीजन में सत्ता जो है वो करीबन लगभग 28 लाख मैट्रिक टन रह जाने के अनुमान है। यही कारण है कि जो मूंग गत वर्ष इन दिनों 7,200 से 7,400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी, उसके भाव अब 8,050 से 8,200 रुपये हुए हैं। यहाँ 5 से 100 रुपये की फ्लक्चुएशन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मूंग के अंदर कुछ छोटे समय के अंदर एक मूवमेंट बनी रहने की संभावना बन रही है। दोस्तों एक अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप समझें, अक्सर होता है कि हम अच्छे भाव मिलने के बाद माल नहीं बेच पाते हैं और तेजी में तेजी और सुपर तेजी, दुपर तेजी की बात करने लगते हैं, और यही यहां पर व्यापारी या किसान गलती करता है। हमेशा होना ये चाहिए कि आपको अच्छे भाव मिल रहे हैं, शानदार भाव मिल रहे हैं, उन भावों के ऊपर अपना कुछ माल जरूर बेचना चाहिए, और सुपर जो तेज़ी की बातें करते हैं वो अक्सर अब हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों दलहन पर विशेष रिपोर्ट, चाहे वो चना हो, मूंग हो, उड़द हो, मसूर हो,
या फिर तुअर, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप बड़े स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं या फिर दलहन का अच्छे कारोबारी हैं, तो हमारी विशेष रिपोर्ट आपको सावधान भी करती है कहां से नीचे भाव आ रहे हैं, कहां ऊंचे भाव बन रहे हैं, उसका हम सटीक विश्लेषण देते हैं। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं बनता है। फ़ायदा वो है जो आपको आगे आने एडवांस बताए। हमारे इस चैनल पर लगभग 8 से 10 शो हर रोज़ आप तक पहुंचते हैं। हम बाज़ार की सारी सूचनाएं आपको एकत्रित कर आप तक पहुंचाते हैं, विश्लेषण देते हैं। कुछ शो के अंदर हम विश्लेषण के साथ साथ आगे का सटीक भविष्यवाणी भी देते हैं, अनुमान भी देते हैं, यहाँ से तेज़ हो रहा है, यहाँ से मंद हो रहा है, साथ साथ बाज़ार का विश्लेषण आप तक आए। दोस्तों, याद रखना, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।